हेलो बच्चों, चलो भाई पढ़ते हैं। आज अपना अगला टॉपिक सिंपल सा बायोट सेवर्ट्स ला। बायोट और सेवर्ट्स दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नीट्यूड निकाल के दिया अपने थी मैग्नेटिक फील्ड का, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इसका पे उसका जो मैग्नीट्यूड निकाल के दिया वो इन दोनों ने निकाल के दिया था बायोट और सेवर्ट्स ने। इसलिए नियम को नाम दे दिया गया बायोट सेवर्ट्स ला। कोई भी एक वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है आई, और इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा है भाई डीएल लेंथ का, और डीएल के साथ कोई पॉइंट है आर दूर, और एंगल बना रहा है थीटा। और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये सब कुछ बताया बायोट सेवर्ट ने। क्या बताया भाई कि जो डीएल कंपोनेंट है छोटा कंपोनेंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी छोटा होगा। तो इसका मतलब डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। दूसरा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोर्शन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा, और डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड पॉइंट। ये चार चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करेगा भाई। इन चारों इक्वेशनों को हमने इक्वेशन हैं इनको कंबाइन कर लिया, और जैसे ही हमने कंबाइन किया हमें जो इक्वेशन मिली वो मिली डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपने पढ़ा होगा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लगाओगे, और वो जो कांस्टेंट यहाँ पर लगेगा वो क्या लगेगा भाई कि डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया इक्वल टू का साइन, और कांस्टेंट है हमारा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। आगे सेम टू सेम आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम नाम दे सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह लो भाई, या फिर जिस तरह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रोस्टेटिक कांस्टेंट बताया था तो इसको मैग्नेटिज्म कांस्टेंट कह लो। अब जो बात आई कि भाई जो ये हमारे पास म्यू नोट है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक परमीएबिलिटी वो इसमें क्या पढ़ाएंगे आप ही मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू के लिए देखो भाई कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। इस कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नोट अपॉन फोर पाई इसकी वैल्यू होती है 10^-7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी क्या होगी भाई वैल्यू होगी म्यू नोट अपॉन फोर पाई की। और मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर कंपोज में भी लिख सका फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म क्या होगी भाई डी बी म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर। देखो साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट, डीएल ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है नीचे आर वेक्टर है, तो आर की और किसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी डीएल की। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आ जाओगे भाई साइन थीटा।
आर ऊपर गुणा करी है तो आर तो नीचे गुणा करो तो आर की पावर कितनी होगी, 3। ये होगी हमारी वेक्टर फॉर्म। ये है हमारे पास बायोट सेवर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो स्केलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये दो चीज़ आप इन्हें पढ़ ली। अब एक छोटी सी बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यो हमने वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल कह लो या फिर स्क्रू रूल, जो मर्जी नाम दे दो इसने, कि राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, इन तापनी के में लगी हुई आप इन बायोट सेवर्ट्स लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मिलेगी। उसके बाद जो थोड़ा सा जिक्र आया कि भाई जो डीबी है, ठीक है, डीबी है तो यो हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड, सेम टू सेम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कूलम्स लॉ के साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। तो आप ये एक छोटा सा जिक्र करांगे, बायोट सेवर्ट्स लॉ, बी एस लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज हैं, ठीक है। तो शुरू में जिक्र कर ले भाई कि आप इनके बीच में ये जो दो नियम हैं, इन दो नियमों के बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या हैं और डिसिमिलरिटीज क्या क्या हैं। तो सिमिलरिटीज को लेके अगर हम चला तो सिमिलरिटीज क्या क्या होंगी भाई इसके बीच में, तो सिमिलरिटी के लिए देखो एक सिंपल सी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों का काम है फील्ड की स्ट्रेंथ को बताना, ठीक है भाई। दूसरा जो इनके अंदर एक और सिमिलरिटी है वो है कि ये जो दोनों नियम है ये दोनों नियम फॉलो करते हैं इनवर्स स्केयर लॉ को, नीचे आर स्केयर है दोनों में, इनवर्स स्केयर लॉ को, ठीक है। जो बायोट सेवर्ट्स है, जो कूलम्स लॉ है, दोनों किसको फॉलो करते हैं भाई, इनवर्स स्केयर लॉ को, ठीक है। अब अगली बात कि जो बायोट सेवर्ट्स है और जो कूलम्स लॉ है दोनों फॉलो करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये तीन होगी हमारी सिमिलरिटीज, ये क्या है हमारी सिमिलरिटीज, ठीक है। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हम डिफरेंस का। पहला डिफरेंस, बायोट सेवर्ट्स लॉ है वो वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी हमने, जबकि ये जो नियम है ये स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है इनके बीच में जो डिफरेंस है कि जो ये बायोट सेवर्ट्स लॉ है वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि इसमें एंगल का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है भाई। इसमें कूलम्स लॉ ने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2r2, तो वहाँ पर क्या था भाई कि कोई भी जिक्र नहीं आया था हमारे पास, ठीक है, एंगल के ऊपर इंडिपेंडेंट था। तो यो अपना एक जो छोटा सा टॉपिक था बायोट सेवर्ट्स लॉ का वो कंप्लीट हो गया। जो अपने अगले टॉपिक होंगे वे होंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर भाई, कि इसकी एप्लीकेशन यूजेज कित हैं। तब तक पढ़ते रहो भाई, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।